महर्षि वाल्मीकि की जयंती देश भर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। वहीं मंडी स्थित रविनगर में भी वाल्मीकि जयंती की धूम देखने को मिली। इस अवसर पर सांसद रामशिव शर्मा, नगर परिषद अध्यक्षा के साथ जिला परिषद अध्यक्षा चंपा ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। एक और जहां देश भर में रामायण रचयिता महर्षि वाल्मीकि की जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई, वहीं मंडी जिला में भी इस जयंती को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। जाति प्रथा को दरकिनार करते हुए आपसी भाईचारे की मिसाल कायम करती ये जयंती सभी धर्मों के लोगों ने बड़े उत्साह के साथ मनाई। इस अवसर पर सांसद रामशिव शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि देश के उत्थान में ऋषि मुनियों का अहम योगदान रहा है, जिसमें महर्षि वाल्मीकि का नाम सर्वोपरि है। निमंत्रण मिला, मन में जिज्ञासा थी कि जब मुझे निमंत्रण मिलता और मैं इस कार्यक्रम में आता, लेकर आज मेरी इच्छा पूरी हुई तो मैं इस कार्यक्रम में आऊँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये भारत अगर विश्व गुरु बना था, भारत विश्व विजेता बना था, तो बहुत बड़ा योगदान हमारे ऋषि मुनियों का था और उसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा तो महर्षि वाल्मीकि का था। और पूरे विश्व में जिसका देखा होगा, जब भगवान राम जी जब विश्व विजेता बने, अश्वमेध का यज्ञ हुआ और घोड़ा उन्होंने छोड़ा कि जो उस घोड़े को पकड़ेगा उससे युद्ध करेंगे ताकि विश्व विजेता के नाम उनका नाम जाना जाए। वही इस अवसर पर नगर परिषद अध्यक्षा व जिला परिषद अध्यक्षा चंपा ठाकुर भी शामिल हुई। उन्होंने आयोजकों द्वारा किए गए बढ़िया आयोजन की सराहना की और वाल्मीकि जयंती को आपसी भाईचारे की एक मिसाल बताया। जयंती हर साल हर सारे देश में बड़े प्यार से बड़े उत्साह से मनाई जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो भी वाल्मीकि जी ने अपने उपदेश हमें दिए थे कि आदमी जो है अपने सत्य कर्म से और सच्चे इससे ही महा बन सकता है, बड़ा बन सकता है, तो हमें उनके जो उपदेश है उन पे चलना चाहिए। वाल्मीकि जयंती है और इसे सभी धूमधाम से मनाया जा रहे हैं और इसमें हम जो है वाल्मीकि, आप सभी को पता है वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी और ये जो है हमारा ये त्यौहार इसलिए मनाया जाता है क्योंकि एक हम जातिवाद से उठकर हटकर बात करते हैं और हम सभी इस भेदभाव को खत्म करना चाहते हैं। इसलिए मैंने भी आज रखा हुआ है कि हर जगह वाल्मीकि के जाएंगे और माथा टेकेंगे और लोगों को कहेंगे कि ये छुआछूत जो है इसे खत्म करने की एक प्रथा है। अगर हम यंग पीढ़ी आगे आएगी तभी ये चीज जो है खत्म होगी। वहीं इस दौरान लवकुश सभा के प्रधान ने बताया कि उनकी कुछ मांगे थी जिन्हें नगर परिषद अध्यक्षा द्वारा पूरा करने का आश्वासन दिया गया, जिसके लिए सभा उनका धन्यवाद करती है। अपनी डिमांड्स रखी, जो हमारी डिमांड्स काफ़ी सालों से चली आ रही है एक पुल को लेकर और मोहल्ले में जो हम 70-80 सालों से निवास कर रहे हैं उसमें हमारे नियमितीकरण के लिए हमने डिमांड्स उठाई हैं कि जो वाल्मीकि समुदाय को दो विश्वभूमि हिमाचल सरकार द्वारा राजा वीरभद्र द्वारा दी गई है, हम चाहते हैं कि इस मौके पर स्थानीय वाल्मीकि सभा द्वारा भंडारे का आयोजन भी किया गया, जिसमें सभी धर्मों के लोगों ने बड़े ही श्रद्धाभाव से भाग लेकर प्रभु का प्रसाद ग्रहण किया। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी।